जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अब सवाल ये कि इसराइल इस वक्त ऐसा क्यों कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू has said that his cabinet has voted unanimously on Sunday to shut down Al Jazeera offices in Israel. Israel द्वारा बैन करने के बाद भारत के भी कई सारे लोग ट्विटर के ऊपर मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार भी अल जजीरा को भारत में पूरी तरह से बैन कर ले, क्योंकि अल जजीरा भारत के खिलाफ भी काफी फेक प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। अच्छा, इसराइल ने पिछले दिनों में हाफिज साहब ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत की है, तौहीन रसालत के कानून पर तनकीद तक की गई, लेकिन अभी वही सऊदी अरेबिया अपने सिटीजंस को अपने शहरियों को गिरफ्तार कर रहा है जो जो एंटी इसराइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो जो इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं। दो हवाई अड्डे फराम किए हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान को मॉनिटर करने के लिए अमरीकियों को, और अगर इन हवाई एयर बेसिस से इन ममालिक पे कोई अटैक्स होते हैं तो रिएक्शन खैबर पख्तूनख्वा पे आएगा या बलूचिस्तान पे आएगा। और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो कुछ ऑनलाइन ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंटी इजराइल बात करते हैं या फलस्तीन की साइड लेते हैं या हमास की साइड लेते हैं, भाई उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से सहाफी अपनी सिक्योरिटी को लेकर दूसरे ममालिक शिफ्ट कर चुके हैं। कर्जा आपने कैसे वापस करना है और उसके ऊपर अगले आईएमएफ के प्रोग्राम में कैसे जाने? लेकिन अगर हम अंदर वाले खाते की बात करते हैं तो बांग्लादेश की इनडायरेक्टली और सीक्रेटली ट्रेड भी हो रही है इजराइल के साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल की कैबिनेट ने रविवार को कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसराइल के ब्रॉडकास्ट मंत्री शलोमो करी ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। कैबिनेट के मुताबिक हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराजगी के चलते ये फैसला लिया गया। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी सरकार ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि उकसाने वाले चैनल अल जजीरा इसराइल में बंद कर दिया जाए। इसराइली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अल जजीरा पर जंग को भड़काने और इसराइल की दुनिया भर में छवि खराब करने का आरोप है। वही इसराइल के मंत्री ने एक वीडियो जारी कर चैनल को हमास को उकसाने वाला अंग बताया है। इसराइल ने अल जजीरा के सभी ऑफिसेज इसराइल में पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। पिछले एक महीने से नेतन्याहू अल जजीरा पर बैन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसके लिए इसराइली संसद की मंजूरी जरूरी थी। नेतन्याहू ने सबसे पहले संसद के वरिष्ठ मंत्रियों की मदद से एक बिल पास करवाया जिसके जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले विदेशी समाचार नेटवर्क को बंद किया जा सके। सऊदी अरेबिया जिसने रिसेंटली इसराइल की पुल्ली टाइट की थी, कहा था कि हु द हेल आर यू, आप लोग क्यों फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, जरा बाज आ जाओ वरना हम एक्शन लेंगे, तो कुछ इस तरह की पुल्ली जो थी उन्होंने और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने जो थे वो इस्तेमाल किए थे अगेंस्ट इसराइल। लेकिन अभी वही सऊदी अरेबिया अपने सिटीजंस को अपने शहरियों को गिरफ्तार कर रहा है जो जो एंटी इजराइल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो जो इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जो कुछ ऑनलाइन ट्वीट्स करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एंटी इजराइल बात करते हैं या फलस्तीन की साइड लेते हैं या हमास की साइड लेते हैं, भाई उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आधी रात को डंडे मार के उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनकी अच्छी मालिश कर रहे हैं, वो गरम तेल के साथ गरम गरम तेल लगाकर उनको अच्छी मालिश दे रहे हैं, डंडों की बरसात कर रहे हैं और उनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर डाला जा रहा है। स्पेशल सिक्योरिटी प्रिजन वो कि जिसके बाहर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रहती है कि अंदर से जो मुजरिम है वो कहीं भाग ना जाए, उन जेलों के अंदर डाला जा रहा है। बड़ी कड़ी सजा उनको दी जा रही है और उनका सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे से अपडेट किया जा रहा है कि वो एंटी इजराइल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। ये तो वही सऊदी अरेबिया है जिसने रिसेंटली कहा था कि फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और इजराइल कर रहा है, तो भाई ये दोगलापन कहाँ से आ गया, ये डबल स्टैंडर्ड्स कहाँ से आ गए। तो इसके पीछे की भी एक वजह है कि सऊदी अरेबिया ऐसा क्यों कर रहा है। सऊदी अरेबिया फलस्तीनियों के तो साथ है, वो कह रहे हैं कि मासूम सिविलियंस जो है वो उनकी जान जा रही है, लेकिन वो हमास को सपोर्ट नहीं करते, हमास को वो कतई किसी सूरत सपोर्ट नहीं करते, हमास का साथ
वो किसी सूरत नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं और उनको पता है कि हमास को सपोर्ट कर रहा है ईरान और फलस्तीन और इसराइल की, हमास की जो आपस में जंग छिड़ी हुई थी उसमें पीछे मेन जो करैक्टर है वो है ईरान का, कि जिसने ये सारी जंग स्टार्ट करवाई, जिसने बीच में तीली वाला काम किया, आग लगाई और फिर जो है वो जनाब साहब साइड पर हो गए, सानू तो पता ही नहीं है, सानू तो इलम ही नहीं है, तो वो फिर साइड पर हो गए ये सारी जंग को स्टार्ट करवा के, और अभी तक फलस्तीन की और इसराइल की जंग जारी है, और उन्होंने हम तीली दी थी कि भाई जाओ तुम लोग इसराइल को छेड़ो, और फिर अब ये सारे जो मामलात हैं वो हो रहे हैं। तो जो सऊदी अरेबिया है, ईरान की जितनी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सऊदी अरेबिया उनमें से किसी एक को भी सपोर्ट नहीं करता है, ना तो वो हमास को सपोर्ट करते हैं, ना तो वो हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हैं, ना तो वो हूथीज को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमातें हैं, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सऊदी अरेबिया का ऐसा मानना है और ऐसा कहना है, क्योंकि अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर आतंक मचा रखा है और इतनी अनस्टेबिलिटी वो करना चाहते हैं। हमने सुना कि मिडिल ईस्ट में, हमने देखा भी बल्कि ऐसे बहुत से वाकयात सामने आ रहे हैं और ऐसे बहुत से वाकयात हो भी चुके हैं कि जहां पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर ही दंगा फसाद करवाया ईरान ने। अगर हम यमन की बात करते हैं, यमन के साथ लड़ाई हुई उनके वेस्टर्न के, पता नहीं साउथर्न जो रीजन है उसके अंदर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, और अब वहां जितने कानून नाफिज होते हैं, वहां जो होता है, वहां जितने मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं वो इनकी मर्जी से ही होते हैं, वो हूथीज की मर्जी से होते हैं, वो ईरान की मर्जी से होते हैं। फिर लेबनान के अंदर इनकी नहीं बनती है, इराक इनको अच्छा नहीं समझता है, कतर इनको अच्छा नहीं समझता है, तो उनको पता है कि ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं वो ईरान ने बना रखी हैं, और जो फलस्तीन का, हमास का और इसराइल का जो आपस में चल रहा है, आपस में जो लड़ाई चल रही है, उसके पीछे भी जो है वो मेन करैक्टर ईरान का ही है। तो अगर वो जो लोग हमास के हक में कर रहे हैं ट्वीट और इसराइल के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो हमास को यानी के इनडायरेक्टली वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, और सऊदीया कतई तौर पर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम बात करें आज से एक दो साल पहले की 2022 में, तो ईरान थ्रेट कर चुका है सऊदीया अरेबिया को भी कि हम यहाँ पर भी दंगा फसाद करेंगे। और अल जजीरा की रिपोर्ट है, मैं साथ अटैच भी कर देती हूँ, ईरान गया भाई अमेरिका के पास, सॉरी सऊदी अरेबिया गया भाई अमेरिका के पास और कहा कि यूं इस तरह से जो है वो ईरान हमें थ्रेट कर रहा है और हमारी सॉवरेनिटी पर बात आ रही है, वो कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, कभी भी सऊदीया के अंदर जो है वो दंगा फसाद और साजिश कर सकता है। तो यूएस ने बोला कि इस पूरे मामले में हम आपको प्रॉपर तरीके से डिफेंड भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और आपके पीछे हम खड़े हैं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो सऊदीया बड़ा ज्यादा परेशान था, रिपोर्ट में अटैच कर देती हूँ कि सऊदी अरेबिया इतना खतरा है उनको ये ईरान से, और ईरान की ऑलरेडी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है, काफी ज्यादा जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त सऊदीया के अंदर मौजूद है, और सऊदीया यही सोच रहा है कि कल को अगर वही सारे मामला जो ये दूसरी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, तीली लगाने वाला काम कर रहे हैं और अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, अगर ये कल को सऊदी अरेबिया के अंदर करते हैं तो भाई कौन जिम्मेदार होगा? हमारे सिटीजन्स जो हैं वो तो मेरा सर आकर पकड़ेंगे, मेरे तो बाल खींच देंगे वो कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, आप तो बादशाह हो यहाँ के, आप तो किंग हो, आप तो क्राउन प्रिंस हो यहाँ के, तो आप इस पर पूरा क्यों नहीं ध्यान दे रहे? तो इससे पहले कि ये मामला आए, सऊदी अरेबिया ने ही जो है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।